हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू हेल्थियर यूट्यूब चैनल। मधुमेह या डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जब शरीर भोजन से अवशोषित चीनी का उपयोग करने में असमर्थ होता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है और गुर्दे की विफलता, अंधापन, दिल का दौरा, स्ट्रोक, खराब रक्त परिसंचरण और सुनने में परेशानी होने जैसी जटिलताओं का कारण बन सकता है। मधुमेह के लोगों को हमेशा अपने आहार, विशेष रूप से अपने कार्बोहाइड्रेट सेवन की निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि शक्करा वाले खाद्य पदार्थ रक्त शक्करा के स्तर में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। खासकर गर्मियों में तरबूज खाना हम सभी को पसंद है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या तरबूज मधुमेह या डायबिटीज वाले लोगों के लिए अच्छा है या नहीं। तरबूज में नेचुरल शुगर होती है, इसीलिए कई लोग मानते हैं कि यह मधुमेह के लिए अच्छा नहीं है। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि वास्तव में तरबूज मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छा है या नहीं, तरबूज डायबिटीज के लिए अच्छा है कि नहीं। जानने से पहले आइए हम यह जान लेते हैं कि तरबूज में कितने न्यूट्रिशन या पोषक तत्व होते हैं। तरबूज में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती, करीब 100 ग्राम तरबूज में 6 ग्राम चीनी होती है और केवल 30 कैलोरी होती है। यह विटामिन ए, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। यही नहीं, इसमें फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर भी पाया जाता है। तरबूज में 90% से अधिक पानी होता है, तो बजाय चीनी से लोडेड सॉफ्ट ड्रिंक पीने के, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज में लाइकोपीन अच्छी मात्रा में होता है, जो फल को उसका लाल रंग देता है। लाइकोपीन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रसायन है, जो आपको हृदय रोग के जोखिम से दूर रखता है। आइए और समय व्यर्थ किए बिना विस्तार में समझते हैं कि तरबूज डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए अच्छा होता है या नहीं। यह समझने के लिए हमें दो चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। पहला है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और दूसरा है ग्लाइसेमिक लोड। मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और इसके कैलकुलेशंस को भी समझें। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI क्या होता है। खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह बताता है कि चीनी कितनी तेजी से रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ को 1 और 100 के बीच का नंबर दिया जाता है। यदि GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से अधिक है तो उसे हाई GI कहा जाता है, और 55 या उससे कम है तो उसे लो GI बोला जाता है। कम या मध्यम GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ आपके रक्त शर्करा के स्तर को कम रखते हैं। तरबूज का GI 72 होता है। हालांकि तरबूज में उच्च GI होता है, इसकी सिंगल सर्विंग में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत कम होती है और साथ ही इसमें कुछ मात्रा में आहार फाइबर भी पाया जाता है। क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 होता है, इसीलिए बहुत से लोगों को लगता है कि यह डायबिटीज के लोगों के लिए हानिकारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। दूसरी चीज है ग्लाइसेमिक लोड। यह एक संख्या है जो अनुमान लगाती है कि कोई भी खाद्य पदार्थ शरीर का ब्लड ग्लूकोज लेवल कितने हद तक बढ़ा सकता है। भोजन की सिंगल सर्विंग जिसका GL ग्लाइसेमिक लोड 20 से अधिक है, उसे उच्च या हाई शक्करा वाला खाद्य पदार्थ माना जाता है, और 10 से कम GL यानी कि ग्लाइसेमिक लोड वाले खाद्य पदार्थ को कम शक्करा वाला माना जाता है। किसी भी भोजन का ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मल्टीप्लाइड बाय खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। तो यदि तरबूज 100 ग्राम का है और उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 8 ग्राम है, तो ऐसे में तरबूज का GL ग्लाइसेमिक लोड कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। 8 तरबूज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मल्टीप्लाइड बाय 72 तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, जिसका आंसर आएगा 5.76, जो कि ग्लाइसेमिक लोड के स्केल पर कम माना जाएगा। क्योंकि तरबूज में ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, इसीलिए इसका सेवन कम मात्रा में करने से रक्त में ग्लूकोज का स्तर नहीं बढ़ता है। इसके साथ आवश्यक विटामिन और मिनरल्स का सेवन करना भी अनिवार्य है, इसीलिए सीमित मात्रा में वाटरमेलन या तरबूज का सेवन किया जा सकता है अन्य लो GI वाले खाद्य पदार्थों के साथ। यह कहना गलत नहीं होगा कि वास्तव में तरबूज या वाटरमेलन मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है, बस इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। मधुमेह वाले लोग एक समय में 100 से 150 ग्राम तरबूज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तरबूज खाने से पहले न्यूट्रिशनिस्ट से इसकी सही मात्रा के बारे में सलाह लें। वो आपकी स्थिति के अनुसार आपको सही मात्रा बता पाएंगे कि आपको कितना तरबूज खाना चाहिए।
मधुमेह के रोगी भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं यदि वे अपने रक्त शर्करा को स्वस्थ आहार, व्यायाम और निर्धारित दवाओं के माध्यम से अच्छी तरह से नियंत्रित रखते रहें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो सहायक और जानकारी पूर्ण लगा है। तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।